2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए। देखो ये धरती। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में 10 वर्षों के बाद फिर कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल ने इस बार बीजेपी को नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को 1,18,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। बीजेपी के कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। जैसलमेर में कांग्रेस पार्टी की जीत के अहम किरदार रहे उम्मेद सिंह तंवर। उम्मेद सिंह तंवर ने कांग्रेस पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता से युवा जिला अध्यक्ष, यूटीआई चेयरमैन, राजस्थान प्रदेश कमेटी के सचिव, पंचायत समिति सम के सदस्य, 20 सूत्री कार्यक्रम जैसलमेर के उपाध्यक्ष जैसे बड़े पद पर रहते हुए वर्तमान में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत के कारणों पर हमने उमेश सिंह तंवर से खास बातचीत की। आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर से ये खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आज मैं आया हूं कांग्रेस कार्यालय और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हम इनकी बात करें तो देखिए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर के और यूआईटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इन्होंने कई बड़े पदों पर कार्य किया है। अगर हम सभी पदों की बात करें तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष हैं और राजस्थान प्रदेश कमेटी के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, पंचायत समिति सम के मेंबर रह चुके हैं और 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने के जो जैसलमेर में था उसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतने बड़े बड़े पदों पर इन्होंने काम किया है और आज काफ़ी यूँ कहें कि 10 वर्षों के बाद कांग्रेस कार्यालय में फिर से एक खुशी का माहौल है और हम उमेश सिंह जी तंवर से हम इसी विषय पर बात करने के लिए आए हैं। कांग्रेस की जीत हुई है यहाँ पर जैसलमेर में और इस जीत की खुशी में पूरा यूँ कहें कि कांग्रेस कार्यालय के साथ इनके कार्यकर्ता बाड़ी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उमेश सिंह जी, पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, कांग्रेस ने जो ये सीट 10 सालों के बाद जीती है और पहली प्रतिक्रिया क्या, कैसा महसूस कर रहे हैं 10 सालों के बाद एक उम्मीद की किरण कांग्रेस के लिए वापस जागी है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है कांग्रेस कार्यालय में। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 10 वर्ष बाद बाड़मेर जिसमें लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की, खुशी की और हर्ष का विषय है क्योंकि हम बाड़मेर जिसमें लोकसभा क्षेत्र के तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बहु प्रतीक्षा में थे कि 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत कर गए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही लेकिन किसी सांसद ने 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होने के बावजूद भी जैसलमेर बाड़मेर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जैसलमेर की कहीं आवाज़ नहीं उठाई और जैसलमेर हर क्षेत्र में पिछड़ता गया, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे हवाई सेवा का क्षेत्र हो और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में जैसलमेर पिछड़ा और निश्चित तौर पर उसके लिए यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री और भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। उमेश सिंह जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे कि बीजेपी काम के बजाय यूँ कहें कि कुछ नारे ऐसे भी थे कि जो जनता को चुभे, जैसे मैं कहूं कि इन्होंने कांग्रेस मुक्ति का नारा दिया, उस कांग्रेस को जिसने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया और बहुत बड़े नेता हुए हैं कांग्रेस के अंदर, हम कहें कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको खुद बीजेपी अपना आदर्श मानती है और इंदिरा गांधी को कौन भूल सकता है जिसने पाकिस्तान जैसे देश को मतलब ये दो टुकड़ों में बदल दिया था। और सबसे बड़ी बात जो इंदिरा गांधी की मैं बात करूं तो एक पंजाब में जो उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था उस समय शायद दुनिया का ये बहुत बड़ा डिसीजन था, इतना बड़ा डिसीजन कोई प्रधानमंत्री नहीं ले सका था और उन्होंने अपनी शहादत दे करके पंजाब को बचाया था। और ऐसे नेता और ऐसी जो बीजेपी के लीडर कहते रहे कांग्रेस मुक्ति का नारा, लेकिन कांग्रेस कभी देश से शायद मुक्त नहीं हो सकती है, कमज़ोर भले ही हो जाए लेकिन फिर से ये कांग्रेस उभर रही है, तो इस नारे को, कांग्रेस मुक्ति के नारे को आपका नज़रिया क्या कहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतंत्र में ऐसा नारा ही हास्यास्पद लगता है कि जब ये कहा जाए कि किसी पार्टी की मुक्ति देश से, मतलब किसी पार्टी को
समाप्त कर दिया जाना। कांग्रेस तो कभी ऐसा नहीं सोचता कि भारत भाजपा मुक्त या और कोई किसी पार्टी के मुक्त होकर देश का, नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है। भारत पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ का लोकतंत्र निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है, निष्पक्षता के लिए, पारदर्शिता के लिए, सत्य और अहिंसा के लिए। इतने बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी जिसने देश की आज़ादी के लिए अपने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, जेलों में गए, जेलें भुगती, अंग्रेजों द्वारा उनको सताया गया, उसके बाद भी जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में कमी नहीं रखी, उस पार्टी को देश से मुक्त करने की बात भारतीय जनता पार्टी कहकर निश्चित तौर पर हंसी का पात्र बन गई है। और ये आशास्पद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी को इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरी पार्टी को यहाँ से नेस्तनाबूत कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, सभी के लिए रास्ते खुले हैं, जनता जनार्दन है, जनता चाहेगी वो चुनकर आएगा। कभी भी ऐसा नारा नहीं दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस बार भारत की जनता ने बता दिया कि इस तरह के जुमले जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी देते हैं उनके विरुद्ध भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो 400 पार का नारा दे रहे थे उनको बिल्कुल धरातल दिखा दिया और कई राज्यों में साफ कर दिया। और खासकर सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश जिस पर सबसे ज़्यादा इनको घमंड थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का लगभग आधे से अधिक सफाया कर दिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर, इंडिया गठबंधन ने मिलकर किया है। तो ये भारत का जो डीएनए है, जो भारत का डीएनए है वही कांग्रेस का डीएनए है। इसलिए कांग्रेस के डीएनए को भारत से अलग नहीं कर सकते और भारत के डीएनए को कांग्रेस से अलग नहीं कर सकते। आपने जैसे सिंह जी कहा कि भारत का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए जो आपने बात की है अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है और हम इसका शायद मान भी लें क्योंकि भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भी कांग्रेस थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन आज हम देखते हैं तो चुनाव का जो नतीजा आया है उसमें भाजपा का जो भी एक विचारधारा है लेकिन वो जिस पार्टी के अंदर जो अपने उम्मीदवार लेके आए उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है वो करीब करीब बराबर बैठ रहा है। तो हम कब उम्मीद करें या कौन सी ऐसी विचारधारा एक नई लानी पड़ेगी जिससे कि जिस तरह से भाजपा ने अपनी आज भी कह सकते हैं सत्ता में आने का एक उनके पास ऑप्शन खुला है तो इस तरह से कांग्रेस अपने बूते पर कब आएगी? नहीं, कांग्रेस अपने बूते पर कई बार आई है। 1977 में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी, पूरे उत्तर भारत में सिर्फ एक नागौर की सीट कांग्रेस जीती थी, बल्कि पूरे उत्तर भारत में साफ हो गई थी, एक सीट आई थी। और जनता पार्टी का राज आया था जेपी मूवमेंट के बाद में, उस जनता पार्टी के राज के बाद भी लोगों को लगता था कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन 1977 के बाद 1979 में इंदिरा गांधी जी आई, चिकमंगलूर से जीत कर आई और 1980 में वापस प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस वापस आई। आपके तो पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी होता रहा है। आपको याद हो तो 1996 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, लेकिन तब भी 2004 में भी कांग्रेस आई, 2009 में भी कांग्रेस आई। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन उस समय का जो विपक्ष था और आज का जो विपक्ष है और उस समय जो कांग्रेस जिस तरह से हार जीत होती रहती है लेकिन जिस तरह से वह वापिस खड़ी होती थी इस बार उनको कितने बड़े एक छोटी छोटी पार्टियों को लेकर चलना, मैं उस आधार पर कह रहा था कि आने वाले भविष्य में कब तक। उमेश सिंह जी, सुरेश जी का सवाल ये है कि पहले अपने बल पर एकदम से खड़ी हो गई थी, इस बार तो एक संगठन है आई इंडिया, ये गठबंधन है, तो अपने बलबूते पर कांग्रेस कब खड़ी हो पाएगी? देखिए, उतार चढ़ाव जीवन के पहलू हैं और ये सभी पार्टियों के साथ होते हैं, ये कांग्रेस के साथ भी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के राज के बाद में ऐसी कुछ बातें रही, भारत की जनता ने कांग्रेस को नकारा, हम लोग सत्ता से बाहर हुए, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने, धरातल के नेताओं ने, जमीनी पकड़ वाले नेताओं ने इस पर विचार किया, चिंतन किया, मंथन किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सबसे पहली तो फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो राज करो, उस पर चलते हुए सभी पार्टियों को तोड़ा। दूसरा, उन्होंने असंवैधानिक कार्य ये किया कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को खरीद फरोख्त करके, तोड़ फोड़ करके सत्ता बदली, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो और कोई राज्य हो, ये प्रयास उन्होंने राजस्थान में भी किया लेकिन सफल नहीं हुई। तीसरी बात, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दबाव में लेकर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके दबाव में लेकर, उन्हें दबाव में लेकर पार्टी छुड़वाई या उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, वो कांग्रेस मुक्त भारत की कैसे बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो भी टिकटें दी है उनमें से आधी टिकटें
तो कांग्रेस मुक्त भारत कैसे हो सकता है? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भारत की दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों की मांगों को ध्यान में रखकर, विपक्ष को सबको एकजुट कर एक साथ लाकर, एक विचारधारा को मजबूत करते हुए तानाशाही ताकतें, हिटलरशाही ताकतें जो थी, जो देश में दमनकारी सोच के साथ सत्ता में थी, उनके विरुद्ध लड़ने का एक निर्णय लिया। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्योर मेजोरिटी नहीं ला सकती, और कल तक जो मोदी जी एक अकेला सब पर भारी की छाती ठोक रहे थे, अब वो एनडीए करने लग गए, उन्होंने भाजपा नाम लेना ही बंद कर दिया, मोदी नाम लेना बंद कर दिया। ये सफलता है कांग्रेस की, ये चैलेंज जो कांग्रेस ने स्वीकार किया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर ला दिया। अच्छा उमेश सिंह जी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की बीजेपी ने कि जो बीजेपी को वोट करते हैं वो देशभक्त हैं, और जो अन्य पार्टियों को वोट देते हैं वो शायद देशभक्त नहीं है। इसका असर, यानी जनता समझती है कि ये नैरेटिव ठीक नहीं है, आपका क्या ख्याल है? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक दल चुनाव में चुनाव जीतने के लिए कई तरीके के प्रोपेगेंडा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो प्रोपेगेंडा के लिए फेमस है, क्योंकि इनकी जो ट्रिक है वो ठीक वैसी है, इनका जो कार्यशैली है वो ठीक वैसी है जैसे जर्मनी में हिटलर की थी, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर बार जोर बोलो, 100 बार बोलो, हर बार बोलो। इस नीति के तहत वो झूठ के आधार पर अपनी विचारधारा को लोगों के बीच में जबरदस्ती जाकर थोप रहे हैं। वो विचारधारा जो कुंचित है ही नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी पार्टी को वोट देने से राष्ट्रवादी होना और किसी अन्य पार्टी को वोट देने से अराष्ट्रवादी होना कैसे हो सकता है? क्योंकि इसी लोकतंत्र का भारत का चुनाव है, और भारत के तमाम मतदाताओं को संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पार्टी और या अपना कैंडिडेट चुने, तो फिर राष्ट्रवादी और अराष्ट्रवादी होने का तो मतलब ही कुछ नहीं है। एक आरोप और भी लगता रहा है आप पर, तुष्टीकरण का। तो कितना सही है कि आप वोट के लिए जो अल्पसंख्यक हैं उनका तुष्टीकरण करते हैं? ये सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी किसी का तुष्टीकरण नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी समानता के आधार पर चलती है, समरसता के आधार पर चलती है, सभी को साथ लेकर चलती है। जब हम सभी के साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जो संविधान में जो सभी के अधिकार है उनको ध्यान में रखकर हम जब बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें सभी के बारे में सोचना होगा, और उसके बारे में जिसकी जितनी संख्या है उसके उस अनुपात में उसके बारे में भी सोचना होगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध, बहाई सभी के लिए काम किया है, किसी को भी पीछे नहीं रखा है, और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है, और सभी को समान अवसर दिए हैं, सभी का सम्मान किया है, और सभी के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। कांग्रेस ने कभी तुष्टीकरण नहीं किया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हिंदुओं के बीच आते हैं तो वहाँ आकर कहते हैं कि कांग्रेस जो योजनाएँ बनाती है वो अल्पसंख्यकों के लिए बना रही है, दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को जाकर कहती है कि आप इतने सालों से कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस ने आपको क्या दिया? निश्चित तौर पर तुष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस तुष्टीकरण नहीं करती है। उमेश सिंह जी, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जी। आपकी विचारधारा का हम यहीं पर उनसे पूछ लेते हैं सवाल। सुरेश जी, कांग्रेस ने, एक बात मेरी समझ में आ रही है, आप कितने सहमत हैं कि कांग्रेस ने वोट के लिए अपनी विचारधारा नहीं बदली है, जैसे कि मैं कहूं कि वो अल्पसंख्यक हो या जो कहें कि गरीब व्यक्ति हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, मतलब बहुत पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए हमेशा काम करती रही है, और आप अपनी विचारधारा आज तक नहीं बदली है और उसी विचारधारा पर, अहिंसावादी, गांधीवादी नीति पर चलती रही चाहे कांग्रेस हारी, आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या बदली है या आज भी उसी लाइन पर चल रही कांग्रेस, आपके विचार क्या है? देखो, विचारधारा किसी की कोई बनाने से नहीं होता है, लेकिन जो इतना बहुत बड़ा लंबा एक सफर जो हमारे भारत की आजादी नहीं, मैं सुरेश जी, सवाल मेरा अलग है कि अब वोट के लिए पार्टियां विचारधारा बदलती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस ने 1947 से लेकर आज तक विचारधारा वही है, गांधीवादी, अहिंसावादी, जो अल्पसंख्यक, SC/ST सबके लिए काम करने वाली, नहीं बदली है। आपकी मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ, नहीं बदली है, लेकिन जो परिप्रेक्ष्य आज दिखता है उसमें जब एक इतनी बड़ी पार्टी का इस निम्न स्तर पर आ जाना कि उसे छोटी छोटी पार्टियों करना, तो कहीं ना कहीं कोई कमी बहुत बड़ी रही है विचारधारा में, वरना लोग अहिंसा जो भी है गांधी जी के बाद में सभी समझते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कमी रही है, मोटे तौर पे मैं सुशोधी जी आपको बताऊं, वही कमी आपसे जानते हैं। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश में
अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसको विचारधारा रही नहीं, क्यों विचारधारा होती तो रोज बदलते नहीं। जो लोग गांधी को गाली देते आए हैं वही लोग गांधी की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, और वही मोदी जी दुनिया में किसी देश में जाते हैं जहाँ जहाँ गांधी जी की मूर्ति होती है वहाँ जाकर फूल चढ़ाते हैं। तो आपकी विचारधारा तो गांधी के विरुद्ध, आप तो गोडसे को मानने वाले, फिर गांधी जी की मूर्ति पर क्यों जाकर फूल चढ़ाते हैं, फिर राजघाट पर जाकर फूल क्यों चढ़ा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अंबेडकर जी को गाली देने वाले आज अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने लगे अपने कार्यालय में, अंबेडकर जी का नाम लेने लगे, जबकि आरक्षण को और अंबेडकर जी को सबसे बड़ी गाली कोई देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। ठीक इसी तरीके से जिस समय गांधी जी की हत्या हुई और गांधी जी की हत्या के बाद जब सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया तब इन्हीं आरएसएस वालों ने गांधी सरदार पटेल को सबसे ज़्यादा गाली दी थी। समझ में ये नहीं आता कि ये लोग, इनकी कोई विचारधारा है ही नहीं, इन्होंने पल पर अपनी विचारधारा बदली। कल तक ये आरक्षण का विरोध करते थे, अब इनके जो स्टेटमेंट आते हैं, इनका एक नेता क्या कहता है, दूसरा नेता क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेता क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नेता क्या कह रहा है, उनका शीर्ष नेतृत्व तो क्या कहता है, कभी एक दूसरे से। मैं अभी जी, अभी जो आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा बदलती रहती है, तो ये जो भारतीय हमारा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसमें यहाँ की जो जनता है मत देने वाली, उन्होंने इनको इतने शीर्ष स्थान पर कैसे पहुंचा दिया, क्या इनकी विचारधारा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या ये भी बदलती रहती है? है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सच्चाई ये है कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया पर नई जो युवा पीढ़ी है उसको भ्रमित किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है सच्चाई से हटाकर। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तैयार की गई जिसपे झूठ का एक बहुत बड़ा सिलेबस तैयार करके रोज इस पर डाला जाता है, जिस पर हमेशा ऐसी बातें कही जाती है जिसका तार्किक कुछ नहीं है, तर्क कुछ भी नहीं है उसका, उसका सबूत कुछ नहीं है। जिस तरीके से बड़ा आश्चर्य होता है कि पंडित नेहरू जी को मुसलमान बता दिया गया जाता है, अरे यार पंडित नेहरू जी का जन्म जहाँ हुआ इलाहाबाद में, उस इलाहाबाद में जहाँ जन्म हुआ है उस आनंद भवन में उनके चित्र हैं बचपन के, और जनेऊ डाले हुए उनके नामकरण संस्कार के, जनेऊ संस्कार के। उसके बाद में उनकी शादी की तस्वीरें हैं, वो भी हिंदू रीति के अनुसार शादी हो रही है, और जब उनका निधन हुआ तो हिंदू सनातनी परंपरा के अनुसार उनका दाह संस्कार हुआ, उसके बाद भी कहते हैं कि ये तो मुस्लिम था। तो सोचकर देखिए, देखिए मैं बात बताना चाहता हूं आपको कि कैसा झूठा नैरेटिव तैयार किया गया। इस तरीके से झूठ का एक नैरेटिव तैयार करके लोगों के बीच डाला गया, और नई युवा पीढ़ी जो है, जो पिछले 30 सालों में आगे आए हैं, उस 30 सालों के युवाओं को अध्ययन की आदत नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, किसी से जानकारी नहीं लेते, वो सिर्फ और सिर्फ भरोसा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक झूठ फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आम जन जो है वो गुमराह हो रहा है। उमेश सिंह जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा जी। आपने युवाओं की बात की कि युवा समझते नहीं है। उमेश सिंह जी, भारत का युवा बहुत समझदार है। मैं युवाओं के बीच जाता हूँ, और सच में हम एक जो कम पढ़े लिखे युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तव में पढ़े लिखे हैं उन युवाओं की सोच, उसमें ना तो जाति है ना धर्म है, बहुत उच्च कोटि की है। उनके सामने अगर धर्म की बात करते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि क्या धर्म, क्या बात कर रहे हो, आजकल ग्लोबल हो गया सब। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि ऐसा होता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे युवा एक तरफ है, ऐसा नहीं है, सारे युवा एक तरफ नहीं है, लेकिन एक बड़ा तबका जो जिनको कह दे कम पढ़े लिखे हैं या जो किसी फैक्ट चेक नहीं करते, इसमें आप नहीं करते ऐसे, ऐसे बोल सकते हो? नहीं उमेश सिंह जी, आप ये बात कह सकते हो कि युवा तो हमारे सब मतलब जानते हैं, लेकिन हमारे में शिक्षा की कमी आज भी है, इस कारण गुमराह हो जाता है। नहीं, निश्चित तौर पर अभी भी भारत जो एक ऐसा देश है दुनिया का जहाँ लिटरेसी रेट अब भी कम है। लिटरेसी रेट कम होने के कारण और जो युवा अधिक नहीं पढ़ पाते, बिल्कुल स्वाध्याय नहीं करते, जो फैक्ट चेक नहीं करते, मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देश का सारा युवा, देश का पढ़ा लिखा युवा तो इस बार वोट उन्होंने कांग्रेस को किया, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर और उन्होंने अराजकता के मुद्दे पर, सामाजिक भेदभाव के मुद्दे पर, धार्मिक असहिष्णुता के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, निश्चित तौर पर किया। मैं एक सवाल करना चाहूंगा जी, कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी हर बार परिवारवाद का एक बहुत बड़ा जुमला कह सकते हैं आप जी, या सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी है वो उठा रही है। अगर हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में भी अगर हम विधायक के चुनाव की बात करें या फिर हम जो सांसद की करें, उस समय देखा जाए तो बड़ी मोटे तौर पे देखा जाए तो पार्टी अपनी विचारधारा के एक बनाई हुई है जिसके अनुसार उन्हीं को टिकट देती है। तो जो नीचे का जो कार्यकर्ता है
जिसमें हम कह सकते हैं सामान्य जाति के या ओबीसी के या एससी एसटी के जो छोटी 5,000-10,000 कौमें जो राजनीति में लंबे टाइम से जुड़े वो भी कभी ऐसा ख्याल रखे कि हम भी कभी इस बड़े स्तर पर आ सकते हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए कि कांग्रेस में तमाम जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं उनको मौका मिलता है। अब मैं बताना चाहूँगा अभी जो चुनाव के परिणाम आए लोकसभा के, हमारी पार्टी में उम्मेदवार राम जी अभी आए थे, उम्मीद राम जी को टिकट दिया गया, उम्मीद राम जी बड़े मार्जिन से जीते। मैं आपकी बात को बीच में कहूंगा, नहीं अभी बताना चाहूंगा, मैं आपकी बात को बीच में रुकूंगा। जो आपने कहा उम्मीद राम जी, नहीं मैं बताना चाहूंगा, बहुत बड़े वर्ग से आते हैं। नहीं नहीं मैं आगे बता रहा हूं, आपने जो सवाल किया वही बता रहा हूं। हमारे जो गंगानगर सीट से विजय हुए कुलदीप जी इंदौरा, वो हमारे साथी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो बन के आए हैं, वो धानका कम्युनिटी से है, धानका कम्युनिटी के मुश्किल से 5,000 वोट है और वहां उनको टिकट दिया गया और वो जीत कर आए। निश्चित तौर पर कांग्रेस में तमाम लोगों को मौका मिलता है। अगर हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में कांग्रेस ने लगातार कई वर्षों तक 11 बार कांग्रेस पार्टी की जैसलमेर की सीट जो है वो 11 बार राजपूत समाज को टिकट दी गई है, 2 बार ब्राह्मण समाज को, 3 बार ब्राह्मण समाज को दी गई है, 3 बार SC को दी गई है। इस तरीके से सभी जातियों वर्गों को मौका मिला है और आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। जिस तरीके से पोकरण से साले मोहम्मद जी विधायक बनते हैं, विधायक का टिकट लेते हैं, रूपाराम जी यहाँ से बने हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, उसमें भी सभी वर्गों को मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ से प्रधान एक जाट है, एक राजपूत हैं, एक SC के हैं, एक और जाट है, तो चारों प्रधान अलग अलग जाति को मौका दिया गया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और आपका जो मर्म है मैं समझ गया कि कम वोट बैंक वाली जातियों के वो लोग जो कांग्रेस में संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको भी मौका मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी एश्योर करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि वो तमाम कार्यकर्ता जो निष्ठावान तरीके से लगातार काम कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा, हम उम्मीद यही करेंगे। लेकिन मैं आपको ज्वलंत नहीं, सूरज जी उस चीज पे ना जाके हम वर्तमान स्थिति पे आए, हम इस चुनाव की बात करने आए थे। तो उमेश सिंह जी, बहुत हमने इसकी विचारधारा कांग्रेस की हमने जान ली, नीतियाँ क्या होंगी, आने वाले समय में क्या होगा। अब हम बात करें जो चुनाव जो हुआ है अभी पूरे भारत में, कांग्रेस वापस से यूं कहें कि एक उभर कर आई एक शक्ति के रूप में जी। तो हम चाहें कितने मतलब किसको ये श्रेय किसको देना चाहेंगे, राहुल जी को या हमारे जो कार्यकर्ता हैं जमीन पर कार्य करते उनको या फिर खड़गे जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए कांग्रेस ने गठबंधन तैयार किया, इंडिया गठबंधन जब तैयार किया तो समान विचारधारा के सभी लोगों को, सभी पार्टियों को साथ लिया और उन समान विचारधारा के सभी पार्टियों के लोगों को साथ लेकर जब चुनाव लड़ा तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय इंडिया गठबंधन को जाता है, इसका श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जाता है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को जाता है जिन्होंने पूरे चुनाव में पूरी शक्ति लगाकर काम किया, और तमाम जो गठबंधन के अन्य पार्टियों के नेता है उनको भी जाता है, प्रदेश के नेताओं के भी जाता है, और छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो बूथ का एजेंट बनकर बैठता है उससे लेकर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो घर घर तक गया है, जिन्होंने प्रयास किया है, वोट मांगे, मेहनत की है, कांग्रेस के तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इसका क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से कांग्रेस का ग्राफ ऊपर आया और कांग्रेस आज इस स्थिति में आई कि इंडिया गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी और NDA को चुनौती दे सकती है कि सत्ता में हम भी भागीदार हैं, हम भी बराबर के आपके हिस्सेदार हैं। एक प्रश्न यहीं पर है जी, जैसे आपने की समान विचारधारा वाली पार्टियां आपके साथ आ गई जी, अब जबकि 234 सीटें मिल चुकी हैं आपके गठबंधन को जी, तो यहां पर बात हो रही है कि सरकार बनाने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से संपर्क किया जा रहा है, ऐसा खबरें आ रही हैं, आपको भी पता होगा जी। तो इनकी विचारधारा BJP से ज़्यादा मिलती है या कांग्रेस से? देखिए गठबंधन में जब गठबंधन सरकारें बनती है तो निश्चित तौर पर कई चीज़ें होती है, और जहाँ तक बात जनता दल यूनाइटेड की है तो वो जब इंडिया गठबंधन बना था तो उसके संयोजक भी एक तरीके से वही थे, नीतीश कुमार जी थे, बिल्कुल उनके संयोजन में इसका गठन हुआ था, ये बात तो सही है ना। लेकिन उसके बाद किसी कारणवश उन्होंने पलटी मार ली, अब पलटी किस कारण मारी वो जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी इन 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज से दुखी थे, क्योंकि जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, ED का दुरुपयोग किया गया, CBI का दुरुपयोग किया गया, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, डराया गया, धमकाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके कारण से
वो 20 और आएंगे। और रही बात टीडीपी के, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी के, वो पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, एनडीए के साथ भी रहे हैं, और इस समय वो समझते हैं कि जिस तरीके से उड़ीसा और आंध्रा में उनका सहयोगी बनकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में उनको ही साफ कर दिया, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको फिर खा जाएंगे, इसलिए वो लोग कांग्रेस के साथ आएंगे। उमेश सिंह जी, अभी देखो रूपा राम जी को यहाँ से टिकट मिल रही विधायक की जी, और अभी जो स्थिति बनी है 11 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और लगभग 50-50 का फाइट हो गया है। हाँ। अभी 4 साल बाकी हैं, तो कांग्रेस कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए मैं आपको बता दूँ, इस बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस 70 सीटें ले आई थी और सिर्फ 30 सीटों का अंतर था। कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का प्रयासों में कमी, और कहीं ना कहीं नेताओं की आपसी खींचतान की वजह से हम लोग नहीं पार पड़ पाए। लेकिन क्या ये जो 6 महीने निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के राज के, इसमें उन्होंने जो कांग्रेस की जन हितार्थी योजनाएं थी, जैसे सबसे बड़ी योजना थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख का बीमा पूरे परिवार को मिलता था और पूरा परिवार लाभान्वित होता था 25 लाख के बीमा से, स्वास्थ्य इलाज फ्री कराता था। इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते क्या किया, उसको बंद कर दिया। पहले थे 10 लाख के लिए, फिर जब कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने MLAs ने विधानसभा में हल्ला किया और पूरे राज्य में मूवमेंट हुआ, तब ये थोड़ा सा बैकफुट पर आए और उसको उन्होंने 10 लाख किया आयुष्मान भारत के नाम पर। उस आयुष्मान भारत की क्या स्थिति है आप जानिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आयुष्मान भारत के नाम पे हुआ, जब पता चला कि 2 टेलीफोन नंबर पर करोड़ों रुपए का खेला हो गया आयुष्मान भारत के नाम पर। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बिल्कुल ही कह सकते हैं कि इन्होंने, इनके जो अहंकार है ना, इनका जो अहंकार है वो जो सत्ता में आए, सत्ता में आते इन्होंने जो अहंकार दिखाया, उसका परिणाम है कि जिनको सत्ता में राजस्थान की सरकार जनता लाई थी, 6 महीने के अंदर अंदर वो पलट कर कांग्रेस के 11 MP को जीता कर लाई है। ये अपने आप में परिवर्तन का सबूत है और आने वाले दिनों में ये होगा कि कांग्रेस 150 सीटें जीत कर सत्ता में, और कम से कम 150 सीटें। अब मैं आखिर में आपसे, अभी जो वर्तमान में जैसलमेर की स्थिति जो जीत हुई है जी, हमारे उम्मेदवार राम जी जीते हैं आपकी पार्टी के, तो आपको क्या वास्तव में, एक तो पूरे इंडिया में कितनी सीटें 100 पार करेगी कांग्रेस, ये उम्मीद थी, क्या जैसलमेर में उम्मीद थी आपको? बिल्कुल, हम तो पहले दिन से श्योर थे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसलमेर बाड़मेर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का खेल देख लिया था, उनके सांसद का भी तरीका देख लिया था, केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए, एक उपलब्धि नहीं है। केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी क्षेत्रीय जो सांसद रहे जैसलमेर बाड़मेर के, कैलाजी चौधरी की एक उपलब्धि नहीं बाड़मेर जैसलमेर के लिए, और जैसलमेर के लिए तो जैसलमेर को तो सत्यानाश कर दिया, यहाँ के रेलवे सिस्टम को फेल कर दिया। यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें चलती थी, हावड़ा चलती थी, रानीखेत चलती थी, दिल्ली की ट्रेनें चलती थी, वाराणसी के लिए ट्रेनें चलती थी, लंबी दूरी की सारी ट्रेनें बंद कर दी, आधी ट्रेनों को बाड़मेर ले गए। उसके बाद में जिनको बंद नहीं किया उनका समय ऐसा परिवर्तित किया, जैसे शाम को पहले 5 बजे यहाँ से ट्रेन चलती थी, रात को 10:30 बजे जोधपुर छोड़ती थी, सुबह 5 बजे जयपुर छोड़ती थी और 10:30 बजे दिल्ली छोड़ती थी। उस ट्रेन को इन्होंने उस समय का कैंसिल करके और सुबह कर दी, उसका ट्रेन का टाइम कर दिया 3 बजे। ये कौन सा टाइम है? कहीं से कभी आपने सुना जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है उसका टाइम रात को 11 बजे 11:30 तक हो सकता है, इससे बाद नहीं होता, और सुबह 3 बजे किसी ट्रेन का 1:30 बजे। तो अपने आप में कह सकते हैं कि इन्होंने जैसलमेर का भट्ठा बिठा दिया। एक तो उसके विरुद्ध नाराजगी थी, दूसरा 4-5 महीने के ही भाजपा के राज्य के शासन में देख लिया कि जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, पर्ची सरकार है, भजनलाल जी कुछ कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी कुछ कह रहे हैं, MLA कुछ कह रहे हैं, फैसला कुछ और हो रहा है। जब लिस्ट आती है तो बड़ा आश्चर्यजनक आश्चर्यपद लगता है कि जब एक बार IAS की लिस्ट आई और मुख्यमंत्री के PA ने मुख्यमंत्री को जब बताया कि सर IAS की लिस्ट आई है, तो वो PBA से पूछने लगा अपने कितने आए। बड़ा आश्चर्यपद बात थी कि वो CM पूछ रहा है कि भाई अपने कितने आए, मतलब क्या इसका मतलब, उनको मालूम नहीं था कि उन्होंने उनकी लिस्ट में कौन आ रहा है कौन नहीं। सुरेश जी से हम इसी बात को कंफर्म करते हैं। सुरेश जी, उमेश जी का कहना है कि जनता की बात को न सुनना और यूँ कहें कि एक ईगो हो जाना कि हम तो मोदी के नाम पर जीत जाएंगे, यहाँ के लोकल लोगों की समस्याएं ना तो उनको झांक के देखा, ये कह रहे हैं इसलिए हारी है BJP, और आपका फैक्टर क्या कहता है, क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रविंद्र सिंह भाटी एक फैक्टर थे
कांग्रेस के जीतने का? रविंद्र सिंह भाटी तो फैक्टर रहा ही है, वो कह सकते हैं कि जहाँ तक जो पब्लिक में है और हम देखते भी है कि वो कई बार कह रहे थे मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, उसके बाद फिर खड़े होंगे, और ये फैक्टर तो काम किया ही है। तब लोग और दूसरे में लोगों के पास कई, जैसे उमेश जी ने कहा है कि कई ऐसे विषय थे कि उनको एक ही ऑप्शन लग रहा था कि नहीं अब तो कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए, तो उसमें जैसलमेर क्या राजस्थान में भी उसने अपना एक बड़ा दर्शन करवाया है कि भाई कितने सांसद आए हैं, तो कई उसमें फैक्टर लागू हुए। हाँ, रविंद्र सिंह का ज्यादा रहा है। आप क्या इससे सहमत है सुरेश जी की बात से? निश्चित तौर पर सहमत है। सहमत क्यों नहीं होंगे कि रविंद्र सिंह पार्टी के खड़े होने से भारतीय जनता पार्टी के वोटों का डिवाइस जीरो होगा। जब भारतीय जनता पार्टी के वोट दो जगह बटे, निश्चित तौर पर कांग्रेस को सफलता मिली, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप कांग्रेस पार्टी की नीतियों से लोग खुश हुए, ये अहंकार है, ये हार भी है अहंकार की, मोदी जी के अहंकार की, मोदी जी की तानाशाही की, केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने की और झूठ बोलने की जुमलों की ये हार। चलिए उमेश सिंह जी, आपको पुनः हम बधाई देते हैं और आपने हमारे लिए ये समय दिया और अपनी बात रखी, और ऐसे ही कांग्रेस को तो हम तो आपको बधाई देते हैं कि आने वाले समय में आप भी एक बड़े जो हमारे जैसलमेर की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे और आप कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जरूर जैसलमेर के लोगों की सेवा करेंगे। धन्यवाद, आप पधारे इसके लिए आपका स्वागत, धन्यवाद, आभार। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसकी हार हुई है और कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है। यहाँ के प्रत्याशी उमेश राम जी पहली बार 1,18,000 से अधिक मतों से विजयी हुए हैं। उमेश राम जी एक सरल और सादगीपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो जैसलमेर बाड़मेर का समुचित विकास करेंगे आने वाले 5 सालों में और केंद्र में अपनी बात ठोक कर रखेंगे और लोगों से अपनी बात मनवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं, जैसे उमेश जी ने कहा है कि आगे जो बड़े स्तर पर जो बैठे हैं उन्होंने एक कहा है कि जो कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता है उस पर भी नजर रखेंगे, तो हम तो उमेश जी के लिए यही प्रार्थना करेंगे आने वाले समय में जैसलमेर के कुछ न कुछ बड़ी जरूर सेवा करेंगे। उमेश जी धन्यवाद, धन्यवाद। मैं पिछले 30 सालों से सतत जनता की सेवा में ही हूँ और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ और मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की है और पूरी जैसलमेर बाड़मेर की नहीं राजस्थान की जनता मुझे जानती है। मैंने किसी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है, सामाजिक सौहार्द का कभी नुकसान नहीं किया है, सभी को साथ देकर चले हैं और तत्पर रहेंगे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ आम जन की हितों की रक्षा के लिए, उनके कामकाज को करवाने के लिए बहुत ही मजबूती के साथ जनता के बीच डटे रहेंगे और सरकार तथा प्रशासन से उन लोगों के कार्य करवाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।